अभी तक शहरवासी पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से परेशान थे, अब सीएनजी गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान है। सीएनजी पेट्रोल पंप पर गैस भराने वालों ने अपना दर्द मया किया है। पहले गाड़ी में 350 से 450 में गैस फुल हो जाती थी, अब 900 की गैस मिल रही है। वहीं गैस भारी होने के कारण लोगों को एवरेज भी नहीं मिल पा रहा है। टैक्सी ड्राइवर, ऑटो वाले और निजी गाड़ी चलाने वालों ने अपना दर्द बयां किया है। कुछ का कहना है कि इसके चलते वे गाड़ियों का प्रयोग आने जाने में कम कर रहे हैं। गैस के बढ़ते दामों को लेकर लोगों का कहना है कि इस सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए। वहीं सीएनजी पेट्रोल पंपों पर गैस भारी है की सूचना भी लगाई गई है। एफपीआर मोटर जीटी रोड पे गैस बनाने आया हूँ, कौशलपुरी का निवासी हूँ। सीएनजी के पिछले कई दिनों से दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या है? पिछले 3 साल में तो गैस के दाम दोगुने हो गए हैं जी। जबकि गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी है। डीजल पेट्रोल से अलग है ये चीज़, और इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। और पिछले 1 हफ्ते से गैस भारी आ रही है, गाड़ी का माइलेज नहीं मिल रहा है, जिसमें कस्टमर का बहुत नुकसान हो रहा है। गैस भारी के जगह जगह पोस्टर लग गए हैं, इससे क्या फायदा होगा भैया? गैस भारी क्यों आ रही है और इतनी महंगी गैस क्यों कस्टमर भरवा रहा है? आज की भारी भी आ रही है, महंगी भी हो रही है। आज की डेट में गैस का दाम 84 रुपये हो गया है, पेट्रोल से 20 रुपये का फर्क है। आदमी पेट्रोल का गाड़ी चलाएगा, इसलिए क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है, इससे गाड़ी इसकी जो है तेजी वालों को तकलीफ देनी चाहिए। अनूप कुमार गुप्ता नाम है भैया। सारे सीएनजी पेट्रोल पंप पे गैस भारी के बोर्ड लगे हैं और लोगों को एवरेज भी नहीं मिल रहा, क्या कहना है आपका? इसके लिए तो गैस कंपनी को सोचना चाहिए। एक तो वैसे ही रेटों की मार है, उसके बाद एवरेज नहीं मिल रही थी, अच्छी बात थोड़ा नहीं है। आपकी जेब पे काफी असर पड़ रहा होगा महंगाई के भी। भैया महंगाई के चक्कर में तो गाड़ी नहीं निकाल रहे हम, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सब चीज के बढ़ रहे हैं। और ऑन द एवरेज कमाई देखे तो कमाई दिन पे दिन कम हो रही है। वरुण मिश्रा, पहले कितने की गैस थी, अब कितने की? अब भारी भी गैस आ रही है, लोगों को एवरेज नहीं मिल रहा, क्या कहना है? पहले 65 रुपये की थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 84-85 रुपये की हो गई है। तो दिक्कत तो है ही आम आदमी के साथ, और सरकार की अब क्या नीतियां हैं, क्या है कि सरकार की बढ़ रही महंगाई और हर चीज़ पर असर पड़ रहा है, चाहे वो सब्जी ले लीजिए या खाद्य सामान जो भी है, उस पर महंगाई तो बढ़ ही रही है। अब ये कंट्रोल करना चाहिए सरकार को, ये क्या करना है उनका काम है, हम लोग सरकार इसीलिए चुनते हैं। मेरा अरुण तिवारी नाम है। गैस भारी के पोस्टर लगे हैं सारे सीएनजी पंप में और गैस भारी आ रही है और लोगों को एवरेज नहीं मिल रहा, इस पर क्या कहना है आपको? गैस ज़्यादा, आप गैस तो ज़्यादा भर जाती है, एवरेज तो वाकई नहीं आता है, एवरेज का फ़र्क नहीं पड़ता है इस पर। जो जैसा पहले भरा रहे थे वैसे ही, तब भी अब ये भारी का चक्कर हमें पता नहीं लगा है कि इसमें क्या भारी होता है। गैस तो सब गैस जैसी होती होगी, बट हो सकता है कोई भारी का होता होगा इनका कोई, सब हर जगह मैं देखता हूँ ज्यादातर लोग गैस भारी का ही बोर्ड लगाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।